नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग बाइक भाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो हम लास्ट 35 क्वेश्चन तक तो डिस्कस कर चुके हैं, जो कि कब की है लास्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। सीक्रेशन फ्रॉम मदर ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड। ठीक है, तो मदर की ब्रेस्ट से जो डिलीवरी के दौरान कुछ सीक्रेशंस आते हैं, या हम बोलें कि ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसको क्या बोला जाता है। तो इसमें टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन उन्होंने पूछा है आपसे, देखिए, सेडेस्टेरम कोलेस्टेरम लोकिया ल्यूकोरिया। आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको दिया हैं कंफ्यूज करने के लिए। जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो कोलेस्ट्रम होगा वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, जैसे कि हमने बताया था, आपको ये बटन दबाना है तो आप पहुँचेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, और एक्सप्लेनेशन होगा सीक्रेशन फ्रॉम मदर ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम की क्वालिटी और क्वांटिटी जो भी है आप यहाँ पढ़ना है, वो थिक होता है, येलो होता है, एंटीबॉडीज उसमें पाई जाती हैं, और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बच्चे के इम्यून सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये था इसमें इसका आंसर। नेक्स्ट चीज़ है, और वो है आपका, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ चिकन पॉक्स इज क्या होगा। ठीक है, तो आप जो कॉजिटिव एजेंट है चिकन पॉक्स का, वो क्या होगा, क्या पैरामिक्सो वायरस होगा, वेरिसेला जॉस्टर होगा, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस होगा, बॉर्डेला पर्टुरिस होगा। ठीक है, तो आपको बता देना है कि इसका करेक्ट आंसर देखने के लिए आप जाएंगे वेरिसेला जॉस्टर के पास में, ये आपका होगा करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चलते हैं कि जो वेरिसेला जॉस्टर है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ चिकन पॉक्स क्या है, वेरिसेला जॉस्टर वायरस। ठीक है, इट इज हाईली कंटाजियस वायरस इन्फेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट कई बार पूछता है कि ये क्या है, आपने बताना है वायरस बताना है। ठीक है, करेक्टराइज बाई जो रेसेस होंगे वो इची होंगे, फ्लूड फिल्ड ब्लिस्टर्स बनेंगे, और यही चीज़ आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ हम और आगे तक लेके जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। और वो क्वेश्चन है आपका, द अपगार स्कोरिंग इज डन टू अप्रेज द इन्फेंट फॉर। अपगार स्कोरिंग शिशु का मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, किस चीज़ को मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, तो वो उसने पूछा है। तो जिसमें पहला पूछा है, उन्होंने ऑप्शन देखे, बर्थ डिफेक्ट उन्होंने बोला है, रेस्पिरेटरी इफर्ट उन्होंने बोला है, आरएच सेंसिटाइजेशन उन्होंने बोला है, इमोशनल स्टेबिलिटी उन्होंने बोला है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपगार स्कोर है वो हम क्यों करते हैं, उसके लिए कि किसके लिए करते हैं, रेस्पिरेटरी एफर्ट के लिए हम करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसमें गलत आंसर है, जबकि ये इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखना है तो देखिए कि जो अफगार स्कोरिंग है, डन टू अप्रेज द इन्फेंट फॉर वेरियस फैक्टर, रेस्पिरेटरी एफर्ट, हार्ट रेट, मसल टोन, रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी एंड कलर ऑल्सो। इट हेल्प असेस द न्यूबॉर्न ओवरऑल कंडीशन एंड डिटरमाइन इफ एनी इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड और नॉट। मतलब अगर बच्चे का इन चीज़ों में कोई, अगर स्कोरिंग में कोई प्रॉब्लम आता है, तो आपको पता लगेगा कि वो हार्ट रेट में, मसल टोन में, और रिफ्लेक्स एक्टिविटी में, और कलर में, तो ये चार, और रेस्पिरेटरी एफर्ट पाँच, ये होता है अपगार का फुल फॉर्म, अपकार। ठीक है, अगर इनमें कुछ अल्टरेशन आपको दिखता है तो आप इसके हिसाब से जज कर सकते हैं कि इसको आपको मेडिकल सुपरविजन की और ज़रूरत है या नहीं है। तो यही चीज़ों के लिए उन्होंने अपकार स्कोर बनाया है। ठीक है, अगर हम ऐसे देखें कि अपकार का फुल फॉर्म, तो अभी हमने जो बताया वही इसका अपकार का फुल फॉर्म है।
ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ तो ए फॉर अपीयरेंस, अपीयरेंस ठीक है, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्राइमेस, ए फॉर एक्टिविटी, ए फॉर एक्टिविटी और आर फॉर रेस्पिरेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप रेस्पिरेशन अपगार देखते हैं तो कभी भी आप इस सीक्वेंस में मत देखना, ए पी जी ए आर में आपको देखना है तो देखना पी आर ए जी ए, ये इसका सीक्वेंस है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं आपसे क्या पूछा जाता है। और विच डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड से कौन सी ऐसी बीमारी है जो खत्म हो गई है, क्या वो चिकन पॉक्स है, क्या वो स्मॉल पॉक्स है, क्या वो कॉलरा है या पर्ट्यूसिस है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। नाम है स्मॉल पॉक्स, देख लेते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स है वो जो ऑल वर्ल्ड है उससे क्या हो गई है, वो इरेडिकेट हो गई है। कब हुई है वो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछता है, वो है 1980 में द फर्स्ट डिजीज टू रही है, ऐसी डिजीज थी जो पहली बार इरेडिकेट हुई थी। किसने इसको डिक्लेयर किया वो भी इसमें कभी पूछे तो आप बता देना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन ख़त्म, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिवेंटिव मीजर्स फॉर टिटनेस नियोनेट्रम, टिटनेस नियोनेट्रम का अगर आप हिंदी में इसको अच्छे से पढ़ना है, निम्नलिखित में से कौन सा टिटनेस नियोनेट्रम के लिए निवारक उपाय नहीं है, क्या वो टिटनेस का वैक्सीनेशन है, फॉलो फाइव क्लीन्स रूल है, TT इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज है या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि टिटनेस के लिए क्या क्या हम लोग जो तैयारी करके रखते हैं, जिसको टिटनेस को रोकना है वो क्या क्या होती हैं, तो उसमें से आपको आंसर लगाना है। क्या हम पेनिसिलिन का इंजेक्शन देंगे, नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पेनिसिलिन। इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, उन्होंने ऊपर देखा है नॉट ए प्रिवेंटिव मीजर्स, मतलब तीन तो ये प्रिवेंटिव हैं, ये क्या हैं, प्रिवेंटिव हैं और ये क्या है, एक नॉन प्रिवेंटिव, मतलब इससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। तो ऐसे मत समझना कि ये प्रिवेंटिव मीजर्स है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, ये नेगेटिव क्वेश्चन है, इसमें उसने नॉट दे के पूछा है, तो आपको इसमें रॉन्ग आंसर करेक्ट करना था, वही आपने इसमें किया है। एक्सप्लेनेशन देख लेना कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है वो नॉट ए प्रिवेंटिव मीजर्स फॉर टिटनेस न्यूनेटर, प्रिवेंटिव मीजर्स फॉर टिटनेस के क्या क्या है वो देखते हैं। एक तो टिटनेस का वैक्सीनेशन है, ठीक है, फाइव क्लीन रूल्स, जिसमें क्या क्या होना चाहिए, क्लीन हैंड होना चाहिए, क्लीन डिलीवरी, जहाँ पे आप डिलीवरी करवा रहे हो किस स्पेस कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, क्लीन कॉर्ड कटिंग, मतलब आपको ऐसे ही कोई धारदार हथियार नहीं यूज करना है, आपको क्लीन कॉर्ड कटिंग इंस्ट्रूमेंट ही यूज करना है, क्लीन कॉर्ड टाइंग आपको अच्छे से टाई करना है, वो भी क्लीन होना चाहिए, किसी गंदे कपड़े से या किसी ऐसे नहीं टाई करना है, क्लीन कॉर्ड केयर, ये भी इम्पोर्टेंट है, और टिटनेस का इम्यूनाइजेशन। तो ये चीज थी जो इम्पोर्टेंट होने कर रही थी इस क्वेश्चन को, और आपको हम यहाँ पे क्लियर करके चले हैं, ठीक है। हिंदी में साफ करना है तो खूब अच्छे से आराम से याद करना, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और वो क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन अकर इन, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है वो आपको बताना था, क्या वो यूटरस में होता है, क्या वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, या फिर पेल्विस में होता है, या फिर वजाइना में होता है। तो सबको पता है इसका आंसर, नाम है इसका फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ठीक है, ये फिर इसके बाद में यूटरस में चला जाता है, उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। तो यही था ये क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एट लीस्ट, मतलब एक गर्भवती महिला द्वारा प्रसव पूर्व मुलाकातों की
कुल संख्या मतलब अगर मैं हिंदी में और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूं कि अगर एंटीनेटल विजिट मिनिमम कितनी होनी चाहिए, जो आपको सबको पता है और पता भी होना चाहिए, नहीं पता है तो आप याद कर लेना क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जाएगा, कई बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि मिनिमम एंटीनेटल विजिट कितनी होती हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और हमारे जो वीडियो बनाई है इसको आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंटिन्यूस देखने हैं। तो ठीक है, तो हम इसका आंसर की तरफ मूव करते हैं। और जो एक चैनल हमने जो बनाया है नर्सिंग वाईफाई, मैं आपको बता दूं ये वाला, ये इतना इम्पोर्टेंट चैनल है या इतने हमने इसमें मेहनत किया है कि ये जो सेटअप है बिल्कुल आपको नॉर्डसेट जैसा ही देखने को मिलेगा। इसमें आप अगर जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक सिंपल, जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे 200 क्वेश्चन की या 150 क्वेश्चन की, तो आप जब पहली बार या दूसरी बार जब आप नॉर्डसेट का एग्ज़ाम देंगे उस टाइम आपको लगेगा नहीं कि आपने पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा लगेगा कि आप डेली यही स्लाइड यूज करते हैं, यही हमारे पास फॉर्मेट था पेपर देने का। तो वहाँ पर भी आपको हेजिटेशन नहीं होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और क्वेश्चन का आंसर होगा 3, कम से कम कितनी विजिट होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एटलीस्ट 3 रेगुलर प्रीनेटल केयर एंड चेकअप आर असेंशियल टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ मदर एंड बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, वो हम देख लेते हैं। अमोंग द फॉलोइंग विच इज वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सी है इन सब में से, क्या वो डिफ्थीरिया है या डेंगू है, टिटनिस है, मीजल्स है। करेक्ट आंसर देखने के लिए दबाइए और आप देखेंगे कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है वो कौन है, डेंगू है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज होती क्या है तो आप बोलना उसको, पहले हम ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अमोंग द गिवन ऑप्शंस डेंगू इज वेक्टर बॉर्न डिजीज, डेंगू एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। इट इज मतलब ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडिस मॉस्क्यूटो। अदर डिजीज लाइक डिप्थीरिया, टिटनेस एंड मीजल्स आर नॉट प्राइमरी ट्रांसमिट बाई वेक्टर। ठीक है, आप अगर कोई डेंगू का आपसे कोई फोटो पूछे कि डेंगू का मच्छर का फोटो, तो ये जो मच्छर है ये क्या है आपका, ये डेंगू का जो एडीज एगिप्टी है वो है, इसके जो लेग्स होते हैं मैं आपको बताऊं, ये वाले आपको बाइट पैचेज में देखने को मिलेंगे, अगर आपको भी लाइव देखना है तो आप इसको अच्छे से पहचान सकते हैं। तो यही मैं बताने वाला था कि जो डेंगू का जो मच्छर होता है वो कुछ ऐसा होता है। अगर आपसे कोई फ़ोटो पूछे तो आप उसको अच्छे से बता देना, आप भी गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट था तो मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।